अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आरिफ अपने जैसल डिस्कवरी न्यूज़ के साथ। आज आपको एक ऐसी डिस्कवरी दिखाने लगे हैं जो कि मेरे लिए एक नई बात थी और आपके लिए भी ये नई बात ही होगी। पिछले दिन इन पौधों का मैंने आपको विज़िट कराया था। ये इसी तरह पानी के ज़रिए मुंतकिल हो रहे हैं और यहाँ पर जमा होते जा रहे हैं, क्योंकि ये पुल के आगे इनको रुकावट मिल रही है। इस वजह से ये पौधे आगे जो है ना, कुछ पौधे जैसे निकल जाते हैं, सामने आपको नज़र आ रही होगी पुल। इस पुल की वजह से, ये छोटा सा पुल है, ये दरियाए सिंध का जो ओवरफ्लड होता है, ये वो पानी है, एक नाला है जिसे हम अपनी ज़बान में पाड़ा भी कहते हैं, छिट्टा भी कहते हैं। तो ये पौधे जमा होते जा रहे हैं यहाँ पर माशाल्लाह से। ये कुदरत का एक हसीन मंज़र है और हैरानी वाली बात ये है, पिछले दिनों मैंने देखा था कि यहाँ पर बच्चे इसके ऊपर चल रहे थे। ये इतनी मज़बूत कंस्ट्रक्शन अब हो चुकी है। ये सामने आपको एक कुत्ता नज़र आ रहा होगा कुछ खाते हुए, क्योंकि ये उसके लिए बड़ी महफूज जगह है। मैंने देखा था कि यहाँ बच्चे चल रहे थे, इसके आर पार इसके ऊपर से गुजर के जा रहे थे। ये आप भी पौधों का समझ लें पुल सा हो गया है। ये देखिए, ये पानी है, उसके साथ ये पौधे हैं और ये फ्लोट करते हुए पौधे आ रहे हैं। ये इन पौधों के ऊपर ये कुत्ता बड़ी आसानी से खड़ा है। मैं खुद इस वक्त इन पौधों पर चल तो नहीं सकता, लेकिन मैं अपने किसी दोस्त को इंशाल्लाह साथ लाऊंगा, तो फिर आपको ये दिखाऊंगा कि इन पौधों पर जो है ना, कैसे ये मतलब ये जानवर ऐसे चलते रहते हैं और अपने लिए महफूज पनाहगाह बनाए हुए हैं। ये आबी हयात के साथ साथ ये खुश्की की हयात के लिए भी एक पनाहगाह हो गई है। ये आपको फिर से मैं इन पौधों का विज़िट कराता हूँ। एक पौधा मैं निकाल रहा हूँ, ये देखिए, एक पौधा आसानी से ऊपर आ गया है। और इसकी अगर आप कंस्ट्रक्शन देखें, इनकी जड़ें इतनी घनी हैं कि ये पानी के लिए एक सरफेस मुहैया कर रही हैं, ऊपर चलने वाली हयात के लिए ये एक सरफेस मुहैया कर रही है। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर चलने की। तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं अभी इस जॉब पे भी जा रहा हूँ, ये मुनासिब नहीं होगा मेरे लिए यहाँ पर चलना। आए दूसरी तरफ से मैं आपको इसका विज़िट कराता हूँ। इसे फ्लोटिंग प्लांट भी कह सकते हैं दूसरी ज़बान में। मेरे लिए ये नई बात थी। लास्ट टाइम मैंने जो देखा था, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये इतने मज़बूत जो है ना पुल की शक्ल इख्तियार कर लेगा कि यहाँ पर जानवर आराम से खड़े होंगे। वैसे कुत्ता जो है ना, ऐसी नस्ल है जो पानी में आराम से तैर सकता है, तो इसके लिए ये कोई मुश्किल बात तो नहीं होगी। ये देखिए, वो कुछ खा रहा है वहाँ पर। इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा तादाद में मछलियाँ होंगी और इनके साथ लोगों ने जो है ना फिल्टर वगैरह लगाए हुए हैं, पानी के पंप, जैसे वाटर पंप कहते हैं हम इंटरनेशनल ज़ुबान में। तो जो वाटर पंप है वो डायरेक्टली जो है ना इस पानी में एक पाइप डाल दिया जाता है, वहाँ से ये पानी को इस्तेमाल करते रहते हैं, जो कि बाइलाज जो गैर कानूनी है, इस तरह का इस्तेमाल कर नहीं सकते, ये पानी की चोरी कहलाता है। ये देखें, इनकी जड़ों पे जैसे छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं,
बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, क्योंकि इसी इन फाइबर्स की वजह से हम साइंटिफिक ज़बान में जालम कहते हैं, ये पानी को अब्जॉर्व करते हैं। नीचे रूट हेयर्स हैं, ये करीब से आपको नज़र आ रहे होंगे, ये रूट हेयर्स हैं, काफ़ी तादाद में पानी को जज्ब करते हैं। ये दूसरे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पिचर प्लांट की जो शक्ल हुआ करती थी नाइन्थ, अभी तो एट्थ में भी है, हमने तो नाइन्थ में पढ़ा था, एट्थ में पढ़ा था उस वक्त, सिक्स में भी है अभी। ये पिचर प्लांट नुमा पौधे हैं, इनके नीचे ये नीले रंग के जो है ना फूल निकल रहे हैं, नज़र आ रहा होगा आपको। इस वजह से अट्रैक्टिंग है, दिल करता है कि बार बार इसी की जो है ना रिसर्च की वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहें। अभी यहाँ जमा होते जा रहे हैं, अभी काफ़ी तादाद में ये ग्रो कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस काम वाले इनमें मुझे क्लोरोफिल की अगर मकदार को अगर आप करीब से देखें, इतने गहरे सब्ज हैं, ब्लैक हो चुके हैं, मतलब जो फुली मैच्योर्ड जो प्लांट्स हैं दूर से आपको नज़र आ रहे होंगे, वो घने गहरे सब्ज हैं। वो इसके साथ साथ जो यूकलिप्टस जिसे हम सफ़ेदा कहते हैं अपनी ज़बान में, ये लगाया जाता है ताकि पानी का जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल, ये पानी क्योंकि वाटर सकर प्लांट होते हैं ये यूकलिप्टस वगैरह, ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और इनकी कीमत भी अच्छी होती है, सेल आउट भी अच्छे तरीके से हो जाते हैं। यहाँ के मकामी लोगों ने साथ साथ इसके लगाए हुए हैं काफ़ी तादाद में, और ये बस बहुत कार आमद और अच्छी आमदनी से हो जाती है उनको। वहाँ पर एक वाटर पंप चल रहा है, वाटर पंप के बारे में वाटर पंप का कभी आपको हम विजिट कराएंगे। ये छोटा सा पाइप जो है ना पानी में डाल दिया जाता है और उसके साथ जो फिल्टर वगैरह चला दिया जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये इसका तकरीबन 1,00,000 रुपये खर्चा आता है, जो कि ये फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं इस पानी को। अगर इनको ज़मीन में लगाएंगे तो ये 1,00,000 तकरीबन इसका खर्चा आता है। ये देखें वो अब जा रहे हैं, चलें, ये सबके लिए एक पनाजा है, दुनिया है या माज का, हर किस्म के हयात के लिए, क्योंकि रब तो सबका है, बेशक वो पूरे आलम का रब है, सारी मखलूक का रब है, किसी न किसी तरीके से किसी को पनाह में मुहैया करता रहता है। और इन पौधों के नीचे अल्लाह पाक की बहुत बड़ी कुदरत समाई होगी, क्योंकि जान तो सबको प्यारी है। इनके नीचे काफ़ी तादाद में मछलियाँ वगैरह अपने लिए मुस्तकिल शेल्टर बनाए बैठी होंगी। चलते चलते मैंने कहा दोस्तों से ये शेयर कर देते हैं मंज़र, उसकी कुदरत की जितनी तारीफ की जाए बेशक कम है, सबका पालने वाला है। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।